हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि स्वर को सही तरह से हम कैसे पकड़ें कि उसकी ऊंचाई निचाई गलत ना हो। ठीक है, कई बार हम बहुत समय तक प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन हम स्वर की ऊंचाई निचाई समझ नहीं पाते हैं कि हमको सा के बाद में गा जो आएगा वो कितनी दूर है और गा को कैसे पकड़ें, या सा के बाद में जैसे रे आता है या मा आता है, जितने भी स्वर हैं इनको किस तरह से हम अपने ध्यान में रखें कि हम स्वरों को गाएं और उनकी जगह जो है गलत ना हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको आज विधिवत बताऊंगा और बहुत ही ध्यान से आप समझें स्वर को, तो आप इसको जरूर गा लेंगे। होता यह है जब हम हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हारमोनियम हमारे आगे चलती है, हम उसके पीछे चलते हैं, तो हमारी अपनी कोई समझ नहीं है। जैसे हारमोनियम हम छोड़ते हैं, अगर उसके बाद हमसे कोई बोले कि आप सारे गा मा पा धा नि सा बोलिए या कोई और सरगम बोलिए तो हम फंस जाते हैं और हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें तो आदत बनी है हारमोनियम के पीछे चलने की, हमारा अपना कुछ नहीं जैसे हम अपनी मर्जी से सरगम को गा पाए या बोल पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आप उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें और समझते रहें। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें आपको एक म्यूजिक टिप्स का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को आप जरूर देखें। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें ताल के बारे में मैंने बताया है या और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, अगर आप उन सबको वाकई में देखते हैं तो उनसे आपको बहुत समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं किस तरह हमको स्वर को समझना है, मैं आपको लिख करके बताता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिलावल का चलन कैसे चलता है सुरों का और उनको हमें कैसे दिमाग में रखना है वो देखते हैं। ठीक है, थाट बिलावल, मैं जैसे आपको बता रहा हूं आप अगर उसको ध्यान में रखते हैं और अगर अच्छे तरह से समझते हैं तो आपको सुरों की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, अगर आप उसको सही से समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो। अब ये हो गया हमारा थाट बिलावल। अब थाट बिलावल की, क्योंकि देखिए अगर हम कोमल स्वर और शुद्ध स्वर सारे मैंने एक वीडियो में बताए भी हैं कि कोमल और शुद्ध कैसे चलते हैं वो दोनों बताएंगे, तो आप फिर अगर खाली बिलावल गाते हैं या खाली भैरव गाते हैं भैरवी गाते हैं तो हम फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम एक एक राग को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिलावल के स्वर कैसे चलते हैं, सबसे पहले चल लिया हमने सा। अब सा के ठीक सामने आपको लेना होता है रे, कहीं झुकना नहीं, कहीं कुछ नहीं सोचना, सा रे, ठीक सा रे। ठीक है, अब रे के बाद में जो शुद्ध गा आएगा वो ऐसे आएगा, अगर हम यहाँ पे इस लाइन को सीधा कर देते हैं तो कोमल गा हो जाएगा, ये तिरछा आया तो यहाँ पे आएगा आपका शुद्ध गा। ठीक है, अब शुद्ध गा जो है उसके ठीक ऊपर है शुद्ध मा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सीधे लेना है गा फिर ऊपर मा, हमें ये ध्यान रखना है सा रे गा मा, मा ठीक ऊपर। ठीक है, और मा के ठीक सामने है पा, यहां पे भी कहीं हमें झुकना नहीं, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, ठीक सामने जाना है, पा के ठीक सामने है धा, यहां भी बिल्कुल सीधे जाना है, और धा के बाद में फिर हम तिरछा जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका आएगा शुद्ध नी, यहां पे अगर हम सीधा लेते तो यहां पे कोमल नहीं आएगा, अगर उसको ठीक नीचे लाएंगे तो कोमल नहीं आ जाएगा, हमने तिरछा लिया तो शुद्ध नी। अब शुद्ध नी जो है उसके ठीक ऊपर है ये सा, तो ये हमारा बिलावल का चलन है। जब हम बिलावल गाते हैं तो हमें बिल्कुल इसी तरह अपने माइंड में सुरों को रखना होता है, सा रे सा रे सा रे गा। आपने देखा होगा बहुत सारे उस्ताद जब गाते हैं सुरों को तो वो सुर को पकड़ते हैं, जैसे हाथ में हमने सुर को पकड़ लिया, अब हाथ में सुर को पकड़ा, अब वो जब जैसे उनका माइंड में स्वर आता है वैसे उनका हाथ चलता है, सा रे ठीक सामने सा रे गा, अब गा को उन्होंने तिरछा हाथ
कभी भी आप देखिएगा कोई उस्ताद का सुर गाता है तो हाथ को ऐसे खींचता है, सा रे गा मा, ठीक ऊपर पा धा नी, और नी को फिर तिरछा लेना है, जैसे हमने रे के बाद गा लिया वैसे धा के बाद नी लेना है, नी और ठीक ऊपर सा। अगर हारमोनियम पे हम देखें तो सा रे, ठीक सामने सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी, बिल्कुल नीचे सा के सा नी धा, वैसे तिरछा। अब जब वापस जाएंगे तो भी वहां पे नी के बाद में धा जो है ऊपर जाता है, तो हमें उसको उसी तरह से ध्यान में रखना है और सुर को पकड़ के चलना है। नी धा, धा तिरछा ऊपर, ठीक धा के सामने पा, पा सामने मा, मा माँ के ठीक नीचे गा, फिर रे तिरछा, तिरछा दिमाग में रखना है स्वर, और ठीक सामने सा। ठीक है, तो जब हम बिना हारमोनियम के सुरों को गाते हैं आपका कभी भी स्वर अपनी जगह से नहीं हटेगा, अगर उसको आप इसी तरह से समझकर माइंड में स्वर को ले करके कि वो चलता कैसे है, ठीक सामने फिर तिरछा फिर ऊपर फिर सामने, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है और अपने हाथ को बराबर सुरों के साथ चलाना है। सा रे, ठीक सामने गा, गा को खींचना होता है तिरछा, गा मा ठीक ऊपर पा सामने। इसी तरह आप अपने बिलावल के सुरों को अपने दिमाग में रख सकते हैं और बिना हारमोनियम के भी गा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिलावल का हुआ। तो जब भी आप गाएं, जब आप हारमोनियम के साथ करते हैं तो वहां पे आपको समझना है सुरों को, और उसके बाद में जैसे आपने 10 बार 20 बार 50 100 बार उसको हारमोनियम के साथ किया, फिर उसको बैठ करके बिना हारमोनियम और अपने ध्यान करके उन्हीं सुरों को पकड़ना है हाथ में, जैसे हमने सा को हाथ में पकड़ लिया, सा रे गा, अपने मन में गाना है, फिर उनको हारमोनियम के साथ मिलाना है। ये आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, वीक दो वीक प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कोई भी सुर अपनी जगह से हटेगा नहीं और सही जगह पे आप सुरों को गा पाएंगे। और सरगम पे जिसको दौड़ना आ जाता है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कोई भी चीज कुछ भी आराम से गा लेता है। और जब तक आपको सुरों की सही जगह पता नहीं होगी तो आप गाएंगे कैसे, कोई चीज बजाएंगे कैसे। कोई लय हमारे दिमाग में आती है, अब ये सा के बाद में पा कितनी दूर था, सा पा, जब आप उनको गाते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में हमेशा बैठी रहती है और हमारे स्वर गलत नहीं होते, कोई भी आप गीत बजा सकते हैं। लेकिन जब आपको सुरों का लेवल जगह पता चल जाती है, ठीक है, अब सा के बाद में डायरेक्ट अगर हमें गा पे जाना है तो सा के बाद में गा किस तरह जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको लें तो सा के बाद में ठीक तिरछा गाल हमारा आएगा, सा गा तिरछा जा रहा है, सा पा ठीक सामने। तो ये चीज जब आप करते हैं तो वो चीज समझ में आती है। और भी इसीलिए आपको अलग अलग तरह के अलंकार करवाए जाते हैं कि जैसे सा गा रे गा, सा के बाद सा गा रे गा, तो वो जो उसका उसकी जो जो टेढ़ापन है जो सीधापन है वो हमारे माइंड में आता है, सा गा, सा से डायरेक्ट गा, सा गा रे गा, सा रे गा मा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपका सुर का जो लेवल है वो कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद ठीक इसी तरह हम अगर राग भैरव में चले जाएं तो सॉरी थाट भैरव, अब इसमें हमारा सुर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे सुरों का चलन क्या होगा, सा ठीक नीचे है कोमल रे, अब कोमल रे के ठीक सामने है गा, ठीक है,
ये हमें ध्यान रखना है। गा के ठीक ऊपर मा, मा के बाद में ठीक सामने है पा, पा के ठीक नीचे है धा, और धा के ठीक सामने है नी शुद्ध, और नी के ठीक ऊपर है सा। तो जब हम राग भैरव को गाएंगे तो किस तरह गाएंगे, सारी, क्योंकि हमें अब यहां तिरछा नहीं लेना है, यहां पे कोई तिरछा लाइन नहीं है। सारी गा ठीक सामने, सारी गा मा पा ठीक सामने, और पा के बाद में पा धा, जैसे हमने सा के बाद रे लिया था वैसे हमें पा के बाद धा लेना है। पा धा ठीक सामने नी ठीक ऊपर सा, हारमोनियम के साथ देख लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा ऊपर सा नी धा ठीक सामने नी के पा ऊपर मा सामने गा नीचे रे सामने सा ऊपर। ये चलन आप अपने दिमाग में रखें तो कभी भी आपका जो है स्वर अपनी जगह से नहीं हटेगा और आप बिल्कुल बेसुरे नहीं होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबको इतनी जल्दी होती है कि वो आरोह अवरोह को बिना पक्का किए आगे भाग जाते हैं। उनको बस आरोह अवरोह मिला तो उसको नकल की तरह हमने उसको एक तरह से बजाया और बस आगे निकल गए। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में जो हमारी जड़ मजबूत होती वो हो नहीं पाती है, और हम हमेशा इसीलिए काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद भी हमें सुरों की सही समझ नहीं होती और हम सही तरह से नहीं बजा पाते न गा पाते हैं। आपकी जड़ अगर मजबूत नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ में अगर आप किसी पत्ते को तोड़ करके और उसको हरा रखना चाहें तो उसको पानी में डाल दें तो क्या वो हरा रहेगा, पानी के अंदर भी वो सूख जाएगा। अगर पेड़ के पत्ते को हमें हरा रखना है तो पानी जड़ में डालना पड़ेगा। जड़ में पानी डालेंगे तो सारे पत्ते हरे रहेंगे, और एक हरा पत्ता तोड़ के आप उसको अलग हरा रखना चाहें तो वो हरा नहीं रहेगा, वो हर कीमत पर सूख ही जाएगा। ठीक है, तो जब जड़ मजबूत होगी तभी पत्ते हरे रहेंगे और तभी पेड़ जो है मुस्कुराता रहेगा, खिलता दे अच्छा लगेगा। जड़ जैसे ही कटेगी वैसे पेड़ सूख जाएगा। तो जब जिसकी जड़ मजबूत हो जाती है वो कभी भी आगे हिलता डुलता नहीं है और मजबूती से खड़ा रहता है। जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जड़ मजबूत होगी नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सुरों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वो समझ में आएंगे कैसे। इसलिए हमें सुरों को समझना है। कोई भी चीज आप बजाते हैं गाते हैं तो उसको समझ कर बजाइए। मैं इसलिए हर वीडियो में बोलता हूं कि देखिए अपनी मर्जी से अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। जब तक हम गुरु के साथ बैठेंगे नहीं, उसके साथ उसको बताई हुई बातों को समझेंगे नहीं तब तक वो समझ में कैसे आएगा। हर व्यक्ति, अब YouTube है, YouTube पे जैसे कोई चीज हमने डाली, जैसे अभी हम यही वीडियो हमने डाला और आपने इसको देखा, आप इसमें से कितना समझ पाते हैं कितना नहीं समझ पाते हैं ये पता कैसे चलेगा। इसीलिए कहा जाता है संगीत जो ना बिना गुरु के नहीं आता, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। वही आपको एक एक चीज समझाता है और तब जब आप समझ में आपके आता है तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ देखिए समय बर्बाद मत कीजिए। समय जो है बर्बाद जब हो जाता है, दूसरा क्या होता है, जब आप अपनी मर्जी करते रहते हैं और कई बार चीज समझ में नहीं आती है तो आप दुखी होते हैं और उसको छोड़ छाड़ के रख देते हैं, बैठ जाते हैं। और जब आप फिर से किसी को अच्छा बजाते देखते हैं तो आपका फिर मन होता है। संगीत आपके दिमाग से या मन से निकलने वाला नहीं है, ये एक ऐसी चीज है, ये जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये बराबर आपके माइंड में चलती रहेगी और आपके हमेशा लालसा रहेगी कि हम भी कुछ बजा लेते, हम भी कुछ गा लेते। लेकिन उसके लिए मेहनत जो करनी होती उससे हम कतराते रहते हैं और इसीलिए वो आता नहीं है, क्योंकि ये एक वरदान की तरह हमें प्राप्त करना होता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
ठीक है। तो सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, देखिए अगर आप अच्छा करना चाहते हैं संगीत में तो जरूर आप क्लास ज्वाइन करें। अभी जैसे मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, आप हमारे साथ बैठे होंगे, जब कोई चीज आप गाएंगे कहीं भी गलत होगा तो हम आपको बता पाएंगे। मैं बहुत ही अच्छा सिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा तैयार करना चाहता हूँ हर व्यक्ति को, लेकिन जब वो मेरे मुताबिक प्रैक्टिस हो नहीं पाती है तो हम भी मजबूर हो जाते हैं और आपकी वहीं पे कमजोरियां रह जाती हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत करना है, मेहनत बहुत करनी है, और वो भी गुरु के बताए अनुसार प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी, जैसे मैंने बताया ना कि जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप कुछ भी बजा लेंगे, खाली गाना बजाने की ही जरूरत नहीं है, गाना हो या कुछ भी आपके सामने आए, जब आप मजबूती तरह से, मजबूती की तरह से खड़े हैं तो आपके लिए तो कुछ भी हो, कोई भी गाए कुछ भी गाए, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम आराम से बजा लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको ये जो दो रागों में, थाटों में आपको स्वरों का चलन बताया है, किस तरह आपको इसको ध्यान में रखना है, इसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ, जरूर समझे होंगे। मैं आगे अगला एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें और भी स्वरों को मैं बताऊंगा, जैसे भैरवी है, या उनको भी किस तरह पकड़े। मान के चलो हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, इसी तरह हमारे सारी थाटों में हमें उनको ध्यान में रखना है, तो आपके सुर कभी गलत नहीं होंगे। अगला भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा, एक ताल के ऊपर बताऊंगा, मैंने बहुत सारे ताल के वीडियो बना भी रखे हैं, लेकिन मैं और सरल से आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप और सरलता से उसको समझ सकें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, देखो यूट्यूब पे तो मैं डालूंगा, आप उसको समझते हैं और समझते भी रहिए, सीखते भी रहिए, लेकिन अगर आपको अपना कैरियर बनाना है संगीत में तो फिर आप समय को बर्बाद मत कीजिए, टीचर के साथ बैठिए और उसको प्रॉपर समझिए। जो भी साल 2 साल आपको लगेंगे उसमें आप जो समझेंगे फिर आगे की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से, वीडियो ट्यूटोरियल से भी होती हैं, किसी भी तरह से आप ज्वाइन करके खाली आप हमारे टच में रहेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे। जैसे मैं बताऊं वैसे प्रैक्टिस करें तो सीखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।